आपको अपने एक बुजुर्ग को अपने बेटे के रूप में खड़े हुए मिलेंगे, एक नौजवान साथी को अपने भाई के रूप में खड़े हुए मिलेंगे। कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम किसी पार्षद के पास जा रहे हैं काम करने के लिए और हमें वहां कहने में कोई हिचक आएगी। मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं भाई धर्मेंद्र, आगे 5 साल तक भी पार्षद बनकर भी आपको आपके मान सम्मान में आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं। इतना ही कहते हुए मैं निवेदन करूंगा भाई धर्मेंद्र से कि वो आपके हमारे बीच में अपने दो लफ्ज कहें। धन्यवाद। आप दूसरे मीटिंग इतना सुनना कर दिया। चलो मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता सम्मान बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी व मेरी माता और बहनें, सबसे पहले मैं आपका यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और चुनाव का समय है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ देर लेट हो गया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं सब भाइयों को, माता बहनों को और बुजुर्गों को एक बात कहना चाहूँगा कि अब चुनाव का समय है, हमने जो अब अपना एक ध्येय बनाना है कि हमने किसको वोट देना है, उस आदमी की पहचान क्या है, उसकी परख हमने किस तरीके से करनी है, उस आदमी के लिए हम जिसके लिए वोट दे रहे हैं वो उस वोट के काबिल है भी या नहीं है। अब हमारे बीच में 13 कैंडिडेट आ गए जी, 13 कैंडिडेट में एक वोटर को चुनना है कि कौन वो कैंडिडेट इस वोट के लायक है और किसको वोट दे के हम 5 साल उससे काम की उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आने वाली 24 तारीख को अपना चुनाव चिन्ह कंघे का निशान है जी, कंघे के निशान पे मोहर लगा के और 5 साल अपने सारे काम की जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दें। जन सुविधा के जो भी काम होंगे उसकी 5 साल की मेरी जिम्मेवारी रहेगी। 5 साल बाद आपके बीच में अच्छा काम करूं तो आप कह देना। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी भाई आज इस समय पे एक अच्छे कैंडिडेट की पहचान नहीं कर पाएगा वो 5 साल हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा जी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप वोट डाल के मेरे पिता समान बुजुर्ग, आप वोट डाल के आ जाइयो और 5 साल जिस तरह एक संतरी खड़ा रहता है, जिस तरह आपकी सेवा में एक आपका बेटा खड़ा रहता है, उस तरह खड़ा पाऊंगा मैं। भाई दरबंदे, भाई दरबंदे। मेरे नौजवान साथी अपना भाई समझ के, मेरे पिता समान बुजुर्ग अपना बेटा समझ कर, मेरी बहने में अपना भाई समझ कर, छोटा भाई समझ कर मुझे आशीर्वाद दें और 24 तारीख को कंघे के निशान पे मोहर लगा के बड़ी भारी बहुमत से विजय बनाए। और मैं सबको, आप सबके बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले और 2-3 दिन बाद कोई बात नहीं भाई सब नहीं बंद कर आने वाले टाइम में 5 साल तक हमारे बीच में कोई नहीं आया, अब आने वाले 2-3 दिन के टाइम में हमारे बीच में यहाँ के MLA, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री, कैबिनेट के मंत्री सब आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और वोट लेके 5 साल तक वो अपने 5 स्टार जैसे मकानों में जाके आराम करेंगे जी। वो नहीं देखते यहाँ पानी आया है या नहीं आया है, वो नहीं देखते यहाँ लाइट आई है या नहीं आई है, वो नहीं देखते इस चीज को कि यहाँ की जनता किस काम से, किस चीज से परेशान है, जन सुविधा उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो इस चीज को नहीं देखते। उनको तो एक वोट लेने का एक उनके पास फार्मूला है, वो अपनी वोट लेते हैं और चले जाते हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ कर अपील करूंगा कि मुझे ऐसे आशीर्वाद दे कि मैं 24 तारीख को विजयी होकर मुझे वो मौका मिले सेवा करने का कि मैं 5 साल आपकी सेवा कर सकूं। और आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारे बीच में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि उनके करेक्टर और उनके संस्कारों को एक बार जरूर परख लें। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उनको एक बार उनको आगे से ये नसीहत मिले कि यहाँ पर इस वार्ड नंबर 10 में ऐसा बेवकूफ जनता नहीं है, ऐसे भोले इंसान नहीं है कि कोई भी आइन को बहका के या फुसला के इनकी वोट ठग लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वोट उसको मिलेंगे जो काम करने वाला होगा, जिसको पहचान होगी, जिसमें संस्कार होंगे, विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे और जो अपने से बड़े की इज्जत करना जानता होगा, काम करने की क्षमता होगी, उस आदमी को वोट दो और मैं आपके बीच में हूँ। आने वाली नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, आने वाली 24 तारीख को कंधे के निशान पर बटन दबाकर मुझे विजयी बनाओ और 5 साल काम करने का मौका दो।
मैं आपका आशीर्वाद लेके 24 तारीख को विजय होना चाहता। धन्यवाद जी भाई दरबंदर।